तो आज हम एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस ढंग से लिखा गया है इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन लिखा है, जिम इज ऑफ टू अ पार्टी एंड इज सर्चिंग फॉर अ मैचिंग पेयर ऑफ सॉक्स, राइट। जैसे मान लीजिए कि उसको एक पार्टी में जाना है तो वो सॉक्स जो है मोजे सर्च कर रहा है। आगे लिखा है, हिज ड्राइवर इज फिल्ड विद सॉक्स इच पेयर ऑफ डिफरेंट कलर। कहते हैं कि जो उसकी ड्रावर है मतलब अलमारी आप मान लीजिए, उसमें कई सारे पेयर ऑफ सॉक्स हैं और जो सॉक्स हैं वो हर एक डिफरेंट कलर के हैं। मान लीजिए एक पेयर रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर के सॉक्स हैं, पेयर में है, राइट, पेयर में ही होते हैं सॉक्स। फिर क्वेश्चन क्या है, इन इट्स वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो, हाउ मेनी सॉक्स एक्स शुड जिम रिमूव फॉर हिज फ्रॉम हिज ड्रावर अंटिल ही फाइंड्स अ मैचिंग पेयर। यस, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आपको समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि सपोज उसकी अलमारी मान लीजिए चार शूज हैं, चार पेयर, पहला ब्लैक कलर का है और मान लीजिए दूसरा रेड कलर का है, राइट, और तीसरा मान लीजिए आप ये कलर का है, थोड़ा अलग टाइप का हमने ले लिया, राइट। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। और जो फोर्थ है, फोर्थ मान लीजिए ये वायलेट कलर का है, राइट, तो उसकी अलमारी में चार टाइप के सॉक्स हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितनी ज्यादा बार, कितनी टाइम्स वर्स्ट केस में जो सॉक्स उसके अंदर निकालना है कि उसे मैचिंग पेयर मिल जाए। मैचिंग पेयर से मतलब है, मान लीजिए वो पहली बार अपनी अलमारी से सॉक्स निकालता है तो वो इससे आता है तो वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, राइट। तो दूसरी बार मान लीजिए वो निकालता है और फिर से ब्लैक कलर का ही आ जाता है, तब तो उसे दो ही नंबर ऑफ ड्राज में दो ही टाइम साक्स को निकालने पर उसकी मैचिंग हो गई। लेकिन ये तो बेस्ट केस है, राइट, हमें निकालना है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस क्या होगा, अगर पहली बार उसने ये ब्लैक कलर का ड्रा किया है तो दूसरी बार ये रेड कलर का कर ले, क्यों, ये रेड कलर का कर ले, तीसरी बार ये कलर का कर ले, फोर्थ टाइम ये वायलेट कलर का हो जाए, ये वायलेट है, ये मान लीजिए ऑरेंज है, राइट। तो चार बार तो वो फेल हो जाएगा, चार बार तो उसे कोई मैच मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिफ्थ टाइम अब कोई भी पेयर निकले, मान लीजिए इसका निकलता है तो ये एक पहले निकाल चुका है यहां पर, राइट, एक यहां पर पहले आ चुका है और एक इसी कलर का आया तो उसका पेयर मैच कर गया। मान लीजिए इस कलर का आता है तो एक पेयर पहले से निकल चुका है, दूसरा पेयर भी आ चुका तो मैच कर गया, राइट। तो चार बार तो उसे मिलेगा ही नहीं मैचिंग का, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं यहां पर। पहली बार अगर उसने ब्लैक निकाला तो दूसरी बार इन तीनों में से कोई एक निकले, फिर तीसरी बार इन दोनों में से कोई निकले, फोर्थ टाइम लास्ट वाला निकले, लेकिन फिफ्थ टाइम इन चारों में से कोई भी निकले उसका पेयर तो मैच कर ही जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अगर इसको आप जनरलाइज करें तो अगर यहां पर चार पेयर हैं तो उसे फिफ्थ टाइम मिल जाता है मैचिंग पेयर। तो अगर एन नंबर ऑफ साक्ष हैं तो एन प्लस वन टाइम्स उसको साक्ष को ड्रा करना पड़ेगा। तो बस ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, इसमें यही लॉजिक लगाना था। अगर आप इस तरह से ड्राइव ना करते तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती थी, राइट। तो अब यहां क्वेश्चन पे देखिए आ गए हैं हम। कह रहा है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स टेस्ट केस, टी नंबर ऑफ टेस्ट केस है और हर एक में एन की वैल्यू, जो आपको नंबर ऑफ पेयर ऑफ साक्स दिए जाएंगे, कितने पेयर अलमारी में हैं। टी की वैल्यू 1 से 1000 है तो हमारा काम इंटीजर चल जाएगा, और एन की वैल्यू 0 से 10 पावर 6 में होगी तो भी इंटीजर से काम चल जाएगा। हमें पता है कि जब भी कोई हम इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम वैल्यू 10 to power -9 टू 10 to power +9 तक रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, सिंपल केस टू है, तो टू तो नंबर ऑफ टेस्ट केस है, राइट, दो दो टेस्ट केस हैं। तो अगर वन लिखा है मतलब उसके अलमारी में सिर्फ एक ही पेयर है, और अगर एक ही पेयर है तो पहली बार एक निकाला, दूसरी बार एक निकाला, तो दो ही टर्न में
उसको मैचिंग पेयर मिल जाएगा, इसलिए इसका आउटपुट क्या है, देखिए दो है, ठीक। फिर अगले टेस्ट केस में क्या है, दो दिया है, मतलब दो पेयर है। तो दो पेयर है तो पहली बार मान लीजिए रेड निकलता है, दूसरी बार ब्लू निकलता है, तो तीसरी बार जब वो ड्रा करेगा साक्स को, तो चाहे रेड आए या ब्लू आए उसको तो मैचिंग मिल जाएगी, तो तीसरी टाइम में उसे मैचिंग मिल जाएगी, इसलिए तीन प्रिंट है। तो जितने पेयर ऑफ साक्स हैं उससे एक ज्यादा हमें प्रिंट करना है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, देखिए हमने टी की वैल्यू इनपुट की है पहले से, तो नंबर ऑफ टेस्ट केस है, तो हमें एक वेरिएबल आई की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहां पर डिक्लेयर कर लिया। और फॉर आई के वैल्यू में वन से स्टार्ट करके आई लेंथ देन इक्वल टू कैपिटल टी तक जानी चाहिए एंड आई प्लस प्लस, क्यों? देखिए नंबर ऑफ टेस्ट केस, वहां पर टी की वैल्यू दो थी राइट ऊपर, तो टी की वैल्यू दो थी यहां पर, यहां पर देखिए, तो मतलब वो दो बार एंट्री करना चाहते हैं। जैसे हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको अपना इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम टेस्ट केस के लिए च्वाइस नहीं रखते हैं। लेकिन हमें अगर दो बार उसी प्रोग्राम को रन करना है, तो उस पूरे प्रोग्राम को हम एक फॉर लूप के अंदर रख सकते हैं, और उस फॉर लूप को हम दो टाइम्स एग्जीक्यूट करें, वही हमारा होता है टेस्ट केस। तो यहां पर देखिए अगर टी की वैल्यू टू है, तो दो टाइम्स, दो बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो दो बार एन की वैल्यू हम इनपुट कर पाएंगे। अच्छा देखिए, अब एन की वैल्यू जो इनपुट लेना है नंबर ऑफ सॉक्स, तो उसको इस फॉर लूप के अंदर लेना है, आप बाहर यहां पर मत ले लीजिएगा एन की वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, हर टेस्ट केस में एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इनपुट की जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट केस दो है, तो पहली बार एन की वैल्यू वन इनपुट की गई थी तो उसका आंसर टू आया था, दूसरी बार एन की वैल्यू टू इनपुट की गई तो आंसर थ्री आया है, ओके। तो एन की वैल्यू इस फॉर लूप के अंदर इनपुट लेना है हमको, तो अब इसका एनएफ हम इसके अंदर यूज करेंगे, और परसेंट डी कामा एड्रेस ऑफ एन, तो हमारे पास एन आ गया, और बस हमें प्रिंट ही तो करना है। प्रिंट क्या करना है, एन प्लस वन, एन प्लस वन, ओके, यहां पर प्लस होगा। तो देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, और हमें लाइन चेंज करनी है, लाइन आप चेंज कर दें नहीं तो आपका टेस्ट केस पास नहीं होगा, राइट। तो देखिए इसमें हो गया, अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इस ढंग से इन्होंने फ्रेम किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, जब तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप पेन और कॉपी लेके सॉल्व नहीं करते, दो तीन एग्जाम्पल अपने से लीजिए और देखिए कितने नंबर आप इसमें ड्रा, कितनी बार हमें साक्ष को खींचना था, मतलब बाहर निकालना था, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, देखिए मैं रन कर रहा हूं इसको, ओके, तो मैंने रन किया है अभी, तो देखिए मैसेज मिल रहा है कि पास हो गया, देखिए 2-3 हमारा इनपुट आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ऊपर आपने देखा था 2-3 था, तो हमारा आउटपुट देखिए यहां पर लिखा है ना योर आउटपुट, तो 2-3 आ रहा है। और अगर इस कोड को मैं सबमिट करूं तो जो भी टेस्ट केस होंगे वो टेस्ट केस पास हो जाएंगे, राइट। तो देखिए यहां पर आपको कितने टेस्ट केस दिख रहे हैं, 4+4 8 दिख रहे हैं, और तीन टेस्ट केस आपको नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर हर एक टेस्ट केस पास हो गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ये प्रोग्राम समझ में आया हो, और लॉजिक भी समझ में आया हो। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसी तरह होते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच।